हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और न्यू व्लॉग स्टार्ट। और जी, यहाँ रखा है मेरा सौंफ वाला पानी जो बॉईल होने के लिए रखा है मैंने, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। अभी मैं फ़्रेश हुई हूँ तो इसे बॉईल कर लेते हैं, क्योंकि इसे गर्म गर्म ही पीना होता है। और यहाँ चाय भी बन रही है तो हम इस पानी को छान लेते हैं छलनी से। और ये तैयार है मेरी हॉट हॉट सी ड्रिंक। और यहाँ कांदा कट करके रखा है माही ने, कुछ बनाना है शायद। वो करेले भी कट करके रख रही है। और ये तैयार हो गई है मेरी ड्रिंक, तो हम चलते हैं। और यहाँ बन रही है पाव भाजी, तो कलरफुल भाजी भी कहेंगे इसे। देखो कितने कलर की भाजी इस्तेमाल की इन लोगों ने, मटर है और जी गाजर है, काफ़ी कुछ दिख रहा है इसके अंदर मुझे। और चुकंदर भी है, आलू हैं। तो यहाँ पाव भाजी बन रही है और इसे अभी, मतलब ये मैं नहीं बना रही हूँ, ये बना रही है माही। ये देखिए, यहाँ पम्पकिन भी कट करके रखा हुआ है। तो जब ये रेडी हो जाएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो करेले कट करके रखे हैं तो ये सुखाने के लिए रखे हैं, तो हम इसे कहीं और रख देते हैं क्योंकि मेरी मशीन पे रखे हुए थे। ये देखो मेरी अनी मम्मा फ्रेश हो गई है, कपड़े चेंज कर लिए, अम्मी बैठे हैं। और देखिए ये बैठी है मेरी आयत, और यहाँ बैठी है मेरी हनी मम्मा जो दुआ मांग रही है। उसका तरीका देखिए दुआ मांगने का। अम्मी मुझे कहती हैं कि वो इस तरीके से दुआ मांगती है, बट मैंने आज पहली बार देखा है। उसे मालूम नहीं है कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। सो क्यूट ना। और यहाँ बन गई है हमारी पाव भाजी जो दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अब टेस्ट करके देखते हैं। और मैं लेके चलती हूँ नींबू, क्योंकि उसमें नींबू डालकर खाएंगे, तो मैंने दो नींबू ले लिए, इन्हें कट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दस्तरखान भी लग गया है। और भाई पाव लेकर आया था, दो लादी मंगाए थे हमने पाव की, तो उसे सेक के और उसे बटर लगा के रख दिया है। तो ये फाइनली मेरी प्लेट रेडी हो रही है। यहाँ ये रखा है नींबू, ये रखे है पाव, ये रही मेरी पाव भाजी। और अब इस पे डालेंगे हम बटर यानी कि मक्खन, और टेस्ट करके देखते हैं फ्रेंड्स कैसे बनी है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है खाने में ये। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेवत नाज और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी छोटी सी जिंदगी में। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग स्टार्ट तो काफ़ी टाइम से हो गया है, बट मैं आप आई हूँ सामने, क्योंकि मैं सी रही थी कपड़े। और जी कपड़े सीने की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और जी बच्चे भी बहुत सता रहे थे, और हानिया की कल तबीयत खराब थी, कल तो ब्लॉग ही नहीं बनाया था क्योंकि कल हानिया की तबीयत खराब थी, उसे बुखार उड़ता है, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लगती, ये वजह से भी मैंने कल नहीं बनाया था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, अच्छे से खेल रही है। तो फ्रेंड जो ड्रेस मैंने किया है, यार तुम लोग कुछ ना कुछ फोड़ दोगे बेटा। देखो इन्हें ना, कभी तो ये किचन में से चमचे निकाल के लेकर आ जाते हैं, कभी ये बेलन निकाल के लेके आ जाते हैं। देखिए बच्चे, ये देखो मम्मी आ, मम्मी आ, पहले गिरा दो तो, मतलब अभी चमचे निकाल के ला रहे हैं किचन में से, कभी कुछ निकाल के ला रहे हैं वहां से। क्या कह रही है मम्मी? हाँ मम्मी क्या कह रहे हैं? कौन देखो ये हनी है, हनी माम करो जल्दी से, माम करो, माम करो, माम काम नहीं कर रही है ये बच्चे। और हमने कुछ किया है किचन में वो भी दिखाते हैं, मैं दिखाती हूँ किचन में क्या किया है हमने आज। ये वॉलपेपर मंगवा के, और ये पूरा वॉलपेपर लगाया है दीवार के ऊपर किचन में, क्योंकि सब दीवार है ना, वो जो छींटे वगैरह उड़ती थी ना तेल की, तो उससे सब खराब हो जाता था, इसलिए हमने फिर ये मंगवाया ऑनलाइन और ये लगवाया है यहाँ पे मंगा कर। ये देखें इधर भी, इधर ये रहती है ना रखी भी, कभी कभी इसका भी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर तो गैस का ही करते हैं, इसका बहुत कम करते हैं, तो सब तेल के छींटे उड़ जाती थी दीवार पे। फिर हमने ये वॉलपेपर मंगवाया और ये लगवाया है यहाँ पे, और ये बड़ी मुश्किल से निकला है, क्योंकि जो दीवार है ना सामने की ऐसी है कुछ, तो इस वजह से लग नहीं रहा था, तो हमने पता नहीं भाई ने कैसे कैसे करके उसे लगवाया है, क्योंकि हमने यहाँ लगा दिया इसलिए कि दीवार ख़राब ना हो, तेल वगैरह की छींटे ना जाए इस वजह से, और अच्छा भी लग रहा है लगाने के बाद ये। चलो आओ मेरे साथ, आओ आए आए, आओ बिड़ाओ, आओ अंदर आओ। अब मैंने लेके अंदर आई हूँ, क्योंकि ये सदा रही है दोनों की दोनों बहुत ज्यादा।
और फ्रेंड्स अभी गए हैं अरबी के बच्चे पढ़कर, मैं आई हूँ पीछे के रूम में और जी बच्चे वो सता रहे हैं, अम्मी को भी सता रहे हैं, मुझे भी सता रहे हैं, माई को भी सता रहे हैं, दोनों तीनों को सता रहे हैं। और कल तो मैंने बता ही दिया, कल मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, कल हनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार हो रहा था उसे, सही गई उन्होंने और बच्चे को फिर सता रहे। हनी हनी मम्मा इधर आओ, हनी मम्मा मम्मा पप्पी तो जल्दी से जल्दी से। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, कल बहुत बुखार था मेरी हनी मम्मा को, कुछ ना हुआ सोना बाबा को, सोना बाबा सता रहा था। कर दो माम, कर दो जल्दी से माम, कर दो माम, करो माम। और फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी हम लोग का खाना हुआ है और भाई को पीनी है चाय, तो मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो देखा डब्बे में पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो अभी अभी मैंने उसमें डाली है पत्ती और यहाँ रखा है मैंने चाय का पानी, तो हम उसमें शक्कर पत्ती डाल देते हैं। क्या चाहिए बोलो ना, क्या चाहिए, क्या नमक नहीं खाते, गंदी बात। चलो इधर आओ, चलो इधर, चलो जल्दी से इधर। उमर के हाथ में जरा सी वो चीनी रख दे हाथ पे, इसके दो दाने बस ने, हाँ ये दे दे मूंगफली, छोड़ मूंगफली खा लो। बस चलो यहाँ बैठो मम्मी के पास, चलो यहाँ। हनी क्या कह रही हूँ मैं, मम्मा ऊपर बैठ जाओ, नहीं बैठने का, गिर जाओगी हनी मम्मा, गिर जाओगी बेटा। मैं नहीं खेल रही हूँ, मैं नहीं खेल रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ बन रही है चाय, इसकी हीट बढ़ा दी है मैंने क्योंकि जल्दी होने की नहीं फिर, और ये पेपर लगाए बस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब आधा ही वो लगाते थे हमने क्योंकि तेल के निशान है ना बहुत उड़ रहे थे दीवार के ऊपर, पूरे तेल के निशान हो जा रहे थे। मीशो के ऊपर देखा हमने ये वॉलपेपर, फिर हमने ये मंगा लिया, चलो ये लगा देंगे ताकि दीवारें ख़राब ना हो और थोड़ा सा अच्छा भी लगे। ये लगा दिया हमने और हमें लगाया भी, हमें हंसी भी आ रही लगाने के बाद। हाँ मम्मा ये देखो बच्ची, ये देखो हाथ की चल रही है मेरा, ये देखो चलो कहाँ चलना, चाय रखी वहाँ, चाय उबल जाएगी सब गैस। तो फाइनली यहाँ आ गए हैं चाय के ऊपर बबल्स, तो हम डाल देते हैं चाय में दूध। और यहाँ मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद चीनी कम डाली है चाय में, तो इसलिए मैंने फिर से उसमें थोड़ी चीनी डाल दी है। और जी अब मैं ये चाय छान लेती हूँ क्योंकि चाय ज़्यादा कोई नहीं, बस भाई को और मुझे ही पीनी थी, बस थोड़ी सी मैंने अम्मी के लिए भी निकाल ली क्योंकि अम्मी ज़्यादा चाय नहीं पीती है। तो यहाँ हम तीन कप में चाय कर लेते हैं और लेके चलते हैं चाय, जिसे पीनी होगी वो पी लेगा, जिसे नहीं पीनी होगी तो हम लोग पी लेंगे। ये तीन कप चाय मैंने बनाई है, एक में थोड़ी सी है क्योंकि अम्मी पीती नहीं है, देखते हैं अगर वो पियेंगी तो ठीक है, नहीं पियेंगी तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अंदर के रूम में चाय पीने के लिए, चाय पियोगी करें मत पियो, हम पियेंगे हमारी चाय। ये हमारे बच्चे कल के बच्चे, ये देखो चाय चाय हो। तो फ्रेंड्स हानिया सो गई है और हम आगे के रूम में बिस्तर लगा लेते हैं, ये देखिए अम्मी भी सो गई हैं। और इस ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।